सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री प्रिया कांजो सरकार की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति ही शांति ही शांति। सभी प्यार से और जोर से भी बोलना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, भक्ति बचपन में और जवानी में बड़ी सुंदर होती है, बुढ़ापे में तो खाना पूर्ति होती है। नहीं, चल नहीं सकते, ज्यादा अच्छा सुन नहीं सकते, और भजन अच्छा भी हो, मन भी करे नृत्य करने का, तो ढंग से नृत्य भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर बचपन से ये सब चीज आ जाएं और जवानी की प्रैक्टिस हो, तो भक्ति के प्रभाव से बुढ़ापा भी परास्त हो जाता है और जीवन भर समझो जवानी बनी रहती। और अगर प्रारंभ ही करें, जैसे अब आप कहेंगे ऐसे कैसे संभव है, तो सुनो, सीधी सी बात है, बचपन में पढ़ते हैं तो जीवन भर ज्ञान रहता है, नॉलेज रहती है। आप पढ़ने ही जाओ जवानी में या बुढ़ापे में, तो उतना मामला जमता नहीं, क्योंकि जो बचपन की पढ़ाई है, जो माइंड है, वो कोमल है, सॉफ्ट है, कैचिंग पावर है उसकी, एकदम कुछ है ही नहीं अंदर, कोरा कागज है। और उस कोरे कागज पे उस समय, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बचपन में जब बच्चे हमारे छोटे छोटे हों, तो हमको क्या करना चाहिए, बोले बच्चों के आगे कभी लड़ना नहीं चाहिए, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आप देखेंगे माँ बाप या पड़ोसी या घर के वयोवृद्ध लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, आजकल बच्चों के सामने उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उनकी एक तरीके से आप जैसा व्यवहार आप अपने घर में कर रहे हो, आप अपने बच्चों का डेवलपमेंट वैसा कर रहे हो। आप अपने बच्चों को वैसा ही बना रहे हो। पहले हमारे लोग भक्त क्यों होते थे, पहले इतनी श्रद्धा धर्म में क्यों थी, क्योंकि पुरातन हमारे बुजुर्ग ऐसा करते ही थे, बिना भजन किए भोजन नहीं करते थे। अब तो भजन बहुत पीछे है, समय मिलेगा तो करेंगे, नहीं है तो जयराम जी की। बल्कि भजन देख करने वालों को ही घर में गालियां सुनाते रहते लोग, औरों की तो बात छोड़ दो, बाबा जी हो जा। जब किसी और का बेटा बाबा जी हो जाए ना, तो सब दर्शन करने पहुंच जाते हैं, और जब खुद का बेटा बाबा जी हो जाए तो ऐसे रोते हैं जैसे आज ही खत्म हो गया सब। मेरा अभिप्राय, बचपन में की गई भक्ति आपको कभी वृद्ध नहीं होने देती, वो ऊर्जा, वो भक्ति का प्रभाव, वो नाम जप हमेशा आपके साथ बना रहता है, और वो ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है कि अंत तो गत्वा आप मूर्छा अवस्था में भी चले जाएं तो आपका रोम रोम भगवान का नाम उच्चारण कर रहा होता है। सच है ये, आपका एक एक रोम उच्चारण करता है भगवान का नाम। लेकिन ये कब, जब आप बचपन से शुरू कर दें तब। मैं हमेशा कहता हूं, रे मन मूर्ख जन्म गमायो,
करे अभिमान विषय रस चाख्यो तू कृष्ण शरण नहीं आयो। कहा भयो अब के पछताए तेने पहले ना ही कमायो, सूरदास हरि भजन बिना नर सिर धुन धुन पछतायो। चाणक्य ने एक बहुत गजब की बात लिखी है चाणक्य नीति में, तुम किसका संग्रह कर रहे हो। आज किसी व्यक्ति से पूछो भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या किस बात के संग्रह में लगे हुए हो, दो ही चीजों का संग्रह कर रहा, एक धन का और एक धन के द्वारा सुविधाओं का, तीसरा कोई संग्रह उसके पास नहीं। बहुत गजब की बात चाणक्य ने लिखी। बहुत से लोगों से आप पूछो कि भाई तुम कथा में नहीं चल रहे, अरे बोले कथा में चलेंगे तो खाएंगे क्या, कथा खाने को थोड़ी दे जाएगी। उनका अभिप्राय यह है कि हम कमाते हैं तो हमें खाने को नसीब होता है, हाँ या ना, सही ऐसे ही सोचते हैं ना वो। लेकिन वो माँ के पेट में थे तब किसने कितनी घंटे ड्यूटी करता था, वो माँ के पेट में जब हम सब तो वहीं से आए हैं, रास्ता तो वही है। ऐसा तो नहीं कि पुणे वाले समुद्र में से प्रकट होके पुणे में सिटी में आ गए, अब कोई टेंशन नहीं। ये माँ के पेट से नहीं आए, पुणे वाले तो समुद्र में से प्रकट हुए। यहाँ समुद्र उधर है कि नहीं, नहीं है, मुंबई से इंपोर्ट कर लो थोड़ा सा। ऐसा तो नहीं हम समुद्र में से आ गए, हम सब का रास्ता वही है, हम माँ के पेट से ही आए। तो माँ के पेट में हमने तो कोई ड्यूटी की नहीं, वहां तो हमारी कोई ऐसी कोई जॉब नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं था, फिर वहां कैसे खाने को मिल गया हमको। चाणक्य ने बहुत गजब की बात कही, नाहारम चित्तैत प्राज्ञो धर्मम एक ही चित्तैत, आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सह जायते। अरे मूर्ख इंसान किसका संग्रह करने में लगा रहता है, तू भोजन की व्यवस्था करने में लगा रहता है, तू धन उपार्जन करने में लगा रहता है। ये मत सोचो कि धन संग्रह ही मेरे साथ जाने वाला है या मैं करूंगा तो ही मुझे मिलने वाला है। भगवान ने हमारे भोजन व्यवस्था तो तभी कर दी थी जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही सब अरेंजमेंट कर दिया था। अब इसका मतलब ये कतई मत समझ लेना कि कोई काम करना ही नहीं चाहिए, बिना करे मिल जाएगा, घर वाले ढक्का मार के निकाल देंगे। लेकिन करो, वही कल वाली बात है, टाइम मैनेज करो, टाइम को मैनेज करना आपको आना चाहिए कि मैं करूं ऐसा करूं कि वो भी हो और ये भी हो। उन्होंने कहा है वर्तमान समय में अधिकांश लोग दो ही चीजों में लगे हैं, एक तो पेट भरने के लिए व्यवस्थाएं और धन से एक जो एकत्रित की जा सकती हैं वो सुविधाएं और धन, इन सब चीजों में व्यक्ति लगा रहता है। प्रमाण के तौर पे जो पुणे से अभी भी लोग जो कथा में नहीं आए, जो यूट्यूब और टीवी पे देख रहे हैं, वो किस चक्कर में नहीं आए, बोले चलो दुकान पे बैठ के टीवी देख लेते हैं, कथा तो नहीं सुन लेंगे पर दुकान न छूटे। भाई देख, अगर तेरे भाग्य में नहीं है तो तू 24 घंटा दुकान खोल के बैठ, तुझे कुछ नहीं मिलना। और भगवान पे भरोसा करके बैठेगा तो यहाँ के बाद पहले जब भी तू बैठेगा उतना उससे ज्यादा तुझे मिल जाएगा जितना तूने कल तुझे पूरे दिन में जितना मिलना है। थोड़ा कर्म करने पर बहुत मिलता है, बहुत कर्म करने पर भी थोड़ा नहीं मिलता, क्योंकि यहीं पर तेरा भाग्य और तेरा कर्म भी तेरा साथ देता। कर्म किसके लिए क्या छोड़ा ये महत्वपूर्ण है, माया के लिए भगवान छोड़ा या भगवान के लिए माया छोड़ी, ये प्रश्न है बड़ा। कई लोग माया के लिए भगवान को छोड़ देते, कितना बड़ा मूर्ख है। जो झूठ है उसके लिए सत्य, सबसे बड़ा सत्य भूल जाता है, सबसे बड़ा सत्य। कहने को तो आज का व्यक्ति अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट कहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि मेरा वास्तव में भला किसमें है, जिसमें भला है उस तरफ तो सोचता ही नहीं। आपके बच्चे जब आपको छोड़कर अलग हो जाते हैं, दूसरे घर में चले जाते हैं, तो आप पड़ोसियों से उनकी बुराई करना शुरू कर देते हो कि देखो मेरा बेटा कितना बुरा है, इस बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़ के चला गया। करते हो कि नहीं, जवाब दीजिए, जोर से बोलिए,
करते हो? वही काम तो तुम भी करे बैठे हो। हम भी तो इस परिवार के पालने पोसने के चक्कर में अपने असली बाप को छोड़े बैठे हैं, जो सिर्फ एक जन्म में नहीं हर जन्म में हमारा पालन पोषण करता है, ड्यूटी निभाता है, अपने बाप होने का, अपनी माँ होने की जिम्मेदारी निभाता है। हम उन्हीं दो बच्चों के चक्कर में अपने ही परमात्मा को भूले बैठे हैं, तो जो हमने किया वही तो हमको प्राप्त होगा आगे। छोड़ के बैठे हैं कि नहीं? आप नहीं, जो अभी तक नहीं आए, जो आ गए हैं। देखिए यहाँ तो स्थान पूरा है, पूरा भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी तो सारे लोग तो नहीं आए। क्या है, यही उनका दुर्भाग्य भी है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सब जो यहां पर पहुंचे हुए हैं, सिर्फ कथा को टाइम पास के लिए मत सुना करो। अब कथा अच्छी भी लगने लगी, अब आप उसको टाइम भी देना चाहते हैं, अब आपके कानों को भी अच्छी लगती है, अब आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ता है। अब एक छोटा सा प्रयास करो, जो कथा में आप सुनते हो उसे जीवन में धीरे धीरे उतारना प्रारंभ करो। सिर्फ सुन के टाइम पास ही मत करो। बहुत से लोग हमसे कहते पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी तब भी लोग सुधर जाते थे, आजकल इतनी कथाएं होती हैं तब भी लोग सुधर क्यों नहीं रहे। मैंने कहा जो बिगड़े हुए वही तो कथा में नहीं आते, जितना परसेंट सुधरे हुए का है वही तो लोग कथा में बैठे, बिगड़े हुए लोग आते कहां है कथा में? वो तो कहते थे हम पे टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे कथा सुनने का असर हमारे घर में होना चाहिए। आप न कहें कि महाराज जी हम बदल गए, आपके घर वाले कहें महाराज जी ये कथा सुन के बदल गए, तो समझो कि आपका कथा सुनना काम में आ गया। बहुत से लोग ढिंढोरा पीटते फिरते, देखो महाराज मैं सुधर गया, इसका मतलब अभी सुधरा नहीं है। तुझे अपने आप बोलना पड़ रहा है तू सुधर गया, इसका मतलब तू सुधरा हुआ नहीं है। हां जब तेरे घर वाले बोलेंगे तू सुधर गया तो समझना तू सुधर गया, उस समय आनंद आएगा। तेरा समाज कहे, तेरे पड़ोसी कहे, साहब पहले तो बड़ा खूंखार था, अब तो देखिए क्या बात करता, आपकी बाणी में मधुर बाणी हो जानी चाहिए, विनम्रता जीवन में आ जानी चाहिए, और ठाकुर के प्रति हमेशा दीन शब्दों का प्रयोग आप करिए, और हमेशा उन्हीं से मिलने की इच्छा भाव बनाए रखिए, किसी को हट मत कीजिए। यही कुछ कार्य आप अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये कथा हरि तक ले जाएगी, गोविंद तक ले जाएगी। इसमें कोई दोराय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोल और जोर से बोलना पड़ेगा। ये बात ऐसे शेरों की तरह जिंदगी जियो, गीदड़ों की तरह नहीं। अगर भक्ति भी करनी है तो शेर की तरह एकदम चकाचक होना चाहिए। तो मेरे प्यारे, कलयुग के लोगों की ये स्थिति, जो अपना ही कल्याण कराना नहीं चाहते, अपने ही कल्याण से दूर है, और व्यक्ति कुछ चीजों में ही सबसे बड़ा सुख समझ लेता है, अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे पार्टनर हो, बच्चे अच्छे हो, और खाने पीने में कोई कमी ना हो, चार लोग सलूट मारने वाले हों और वाह वाह करने वाले मुंह पे मिल जाएं, चापलूसी करने वाले मिल जाएं, तो समझो हमको सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई। उनको लगता है यही सबसे अच्छी जिंदगी है, पर यह जिंदगी आपने मेहनत करके अथवा प्रयास पैसे के बल पे आपने इकट्ठी तो कर ली है, लेकिन रहेगी कब तक? एकत्रित तो कर लिया आपने, लेकिन रहेगी कब तक? चार जिन की जिंदगी मौत लेने को खड़ी, कोई नहीं है इस जग में जिसके सर पे मुसीबत नहीं पड़ी। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने प्रॉब्लम्स फेस नहीं किए हैं। है इस दुनिया में ऐसा जिसने कभी प्रॉब्लम फेस नहीं किया? कोई एक व्यक्ति का नाम बताओ। Everyone, हर एक आदमी जिसने जीवन में प्रॉब्लम फेस की है
किसी ने भी स्मूथ लाइफ नहीं जी है, कभी ना कभी कोई ना कोई कट मोड़ गट डाउन अप ये सब कंडीशन आते हैं, और जो इन्हें फेस करे और इन्हें फेस करके मुस्कुराता रहे वही शेर है, वही सच्चा मानव है, और वही आगे जो बढ़ता रहे वही जीवन की यात्रा को पार कर पाता है। बंधु, कलयुग का व्यक्ति सिर्फ सुख सुविधाओं को एकत्रित करने में लगा रहता है, उन्हीं में बुरे व्यसन में पड़ जाता है, और जब बुरे व्यसन में पड़ जाता है तो मानव जीवन का उद्देश्य उससे भटक जाता है और जीवन भर वो मानव दुख पाता रहता है। जैसे कर्म करता है वैसे योनियों में वो जाता है और ईश्वर परेशान होता है कि मैंने इसे मानव बनाकर भेजा है लेकिन ये भटक रहा है। आपसे एक बात पूछनी, आपका बेटा, आप पहली बार उसे अकेले कहीं भेजो और सारा रास्ता बता के भेजो कि इस रास्ते पे जाना, और फिर भी जाके आपका बेटा भटक जाए और अपनी मंजिल तक ना पहुंचे, आपको अच्छा लगेगा या बुरा? आप दुखी होगे या प्रसन्न? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। क्यों होगे? क्योंकि मेरा बेटा है, वो परेशान हो रहा है, वो मंजिल तक नहीं पहुंचा है, जबकि मैंने अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने पूरा प्रयास किया था उसे समझाने में, हर रास्ता बता दिया था, कहां कट मारना है, कहां बस पकड़नी है, कहां ट्रेन पकड़नी है, हर चीज बताई थी, इसके बावजूद भी वो नहीं पहुंचा। इसको आप क्या कहेंगे, लायक या नालायक? जोर से बोलिए, आप कौन है? बेटे को तो बड़ी जल्दी नालायक कह दिया, खुद की बारी आई तो मुस्कुरा दिए। सच्ची में तो हम सब भी नालायक ही हैं। भगवान ने सब कुछ बता के भेजा है, ऋषियों के द्वारा सब कुछ अवगत करा दिया है, शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है गरीब होना, और उससे भी बड़ा दुख है अनाथ होना। जिंदगी अगर एक जंग है तो सबसे ज्यादा जिंदगी की जंग असहाय, अनाथ एवं गरीब बच्चे ही लड़ रहे हैं। वैसे तो यह दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में जिसका कोई नहीं उसके भगवान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु वही भगवान जब किसी महापुरुष को सत प्रेरणाओं से प्रेरित कर उनको माध्यम बनाकर समाज सेवा की ओर अग्रसर करते हैं तो भगवान की कृपा एवं दयालुता का एहसास स्वतः होने लगता है। कुछ इसी तरह का विचार शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के हृदय में स्फुरित हुआ। विचार था असहाय बेघर अनाथ बच्चों के लिए आशियाना बनाकर उन्हें शिक्षा के प्रकाश से रोशन करना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। पूज्य ठाकुर जी एक ऐसा ही आश्रय बनाने जा रहे हैं जहां उन बच्चों का संपूर्ण विकास एवं उनके भविष्य का निर्माण होगा। शिक्षा, संस्कार, देश प्रेम, खेल, उच्च कोटि की प्रतिभा बच्चों में रोपित की जाएगी। इसी सत प्रयास के साथ आओ हम सब भी ब्रज भूमि पर बनने वाले इस अनाथ आश्रम में अपना योगदान देकर पुण्य लाभ प्राप्त करें एवं परम पूज्य ठाकुर जी के कंधे से कंधा मिलाकर इस सपने को पूरा करें।